सागर की सुर्खी विधानसभा के बिलहरा में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने पीएम और सीएम की मिमिक्री भी की। देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया सागर की सुर्खी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए बढ़ती हुई महंगाई पर मोदी सरकार पर तंज कसा। एक थे कंस मामा जिन्होंने अपने भांजे को समाप्त करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। एक थे शकुनी मामा जिन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। एक थे कंस मामा, एक थे शकुनी मामा और कलयुग के जमाने में एक मामा है शिवराज मामा। एक मामा है जो वल्लभ भवन भोपाल में बैठे। इस मौके पर सिंधिया ने मंदसौर गोलीकांड की तुलना जलियांवाले बाग से करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शास्त्रों और ग्रंथों में मामा के किरदार के योगदान की तुलना शिवराज मामा से भी की। 100 साल पूर्व जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जलियांवाला बाग का नरसिंहार हुआ था। 100 साल बाद अगर मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक लगाया है तो शिवराज सिंह जी की सरकार ने जब अन्नदाता के छाते गोली मंसूर की। कुल मिलाकर सिंधिया ने सागर में गागर कर सियासत का समर लूटने की भरसक कोशिशें की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज सागर।